नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली एनसीआर में ओले गिरने से शिमला का नजारा पहाड़ फिर बर्फ से पटे। दिल्ली महिला आयोग ने 16 साल की गर्भवती लड़की को राजस्थान से बचाया। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले, कई इलाकों में दिखा बर्फबारी जैसा नजारा। 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचने वाले एक्सप्रेसवे का पीएम नरेंद्र मोदी जल्द कर सकते हैं भूमि पूजन। 2G केस में देरी से जवाब पर एसी ने सुनाई अनोखी सजा। दिल्ली में लगाओ 15,000 पेड़। दिल्ली से सटे नोएडा के नामी मेट्रो अस्पताल में भीषण आग, 66 मरीजों को बाहर निकाला गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की तबियत बिगड़ी, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के कुतुबगढ़ गांव के 10 युवा किसान कर रहे हैं स्वीट कांति। दिल्ली में महिला डॉक्टर ने की आत्महत्या, सुसाइड लेटर में सामने आई शोषण की बात। दिल्ली एनसीआर ने दिव्यांग छात्रों के लिए नर्सरी दाखिले में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई। मोदी सरकार ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को लगाई फटकार। दिल्ली में चाकुओं से गोद कर महिला की हत्या, पुलिस की गिरफ्त में जीजा साले की जोड़ी। दिल्ली के उपहार कांड के दोषी सुशील अंसल की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज। दिल्ली में 200 सीसी की बाइक पर जाते कनपटी पर पिस्तल सटा लूट कर हो जाते थे फरार। स्वाइन फ्लू में दिल्ली बिना जांच के ही हो रही था मरीजों का इलाज, पीड़ितों की संख्या 1100 के पार। दिल्ली NCR की सड़कों पर ओलों की चादर, 38 घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय विमान डाइवर्ट। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के पास संदिग्ध हालत में घूम रहा कश्मीरी युवक पकड़ा गया। केंद्रीय मंत्री ने 2012 तख्तापलट रिपोर्ट को बताया देशद्रोह, पीएम मोदी से की जांच की मांग। दिल्ली में ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात। राफेल पर बोले राहुल गांधी, मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए में की थी चोरी, जवाब दे PMO ने समांतर राफेल डील क्यों नहीं की। तो ये थी दिल्ली NCR से जुड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।